यार मुझे तो तुम्हारी अकल पे हैरानी हो रही है। मतलब तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम अम्मी के मॉर्निंग शो में जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? इतना डिटेल में मैंने नहीं सोचा, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी थी, इसलिए जो मुझे उस वक्त सही लगा मैंने कर दिया। अरे तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि मेरे पास कोई वे आउट नहीं है। अरे अम्मी को लगता है कि मैं और तुम मिले हुए और ये हमारी साजिश है, अब वो रोज मुझे तुम्हारा शो बैठ के दिखाएंगी और मुझसे पूछेंगी कि बताओ दोनों में से कौन बेहतर था। प्लीज उनको थोड़ा टाइम दो, वो भूल जाएंगी। अरे तुम नहीं समझती मेरी अम्मी को, नहीं भूलेंगी। बहुत बड़ी मुश्किल में आके फंसाया तुमने, बहुत बड़ी मुश्किल में। बात बताओ क्या शो कैसा था? अम्मी बिस्किट पास कीजिएगा। पास तो बहू को भी किया था, मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही फेल करना चाहती है। ये लो बिस्किट। मैं कौन होती हूँ किसी को पास या फेल करने वाली? मैं टीचर नहीं हूँ और शो ने मुझे चूज किया था, मैंने गन पॉइंट पे नहीं मांगा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? अगर तुम्हारी बीवी को शो के लिए चूज किया गया था तो ये किसी और चैनल पे क्यों नहीं जाती? मेरा ही चैनल क्यों, मेरा ही शो क्यों? मेरी बहू मुझे ही रिप्लेस करे और मेरा ही नाराज होना गलत है? बात तो ये भी ठीक है। क्योंकि हर कोई रिप्लेसेबल होता है, दुनिया में हर इंसान को कभी ना कभी तो रिटायर होना होता है ना। हाँ सही कह रही है। जब ये पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से हूँ मैं इस इंडस्ट्री में। याद रखिए किसी भी ब्रांड की वैल्यू उस वक्त होती है जब वो पुराना हो। इस बात में वजन है। तुम वजन तोल रहे हो, मोहनजोदड़ो भी पुराना है, लेकिन सब कराची में क्यों रहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक बात की। क्या ठीक बात है? गाड़ियां भी लोग उस कंपनी की खरीदते हैं जो पुरानी हो, पुराने नामों पे भरोसा होता है। ये भी बात जैसे ये भी ठीक है। इसीलिए शोरूम में जाते ही पूछते हैं ना सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा है ना? हाँ बिल्कुल। वैल्यू एंटीक गाड़ियों की होती है। जी बिल्कुल ये भी ठीक है। एंटीक गाड़ियों की वैल्यू होती है जी बिल्कुल, लेकिन कहाँ? म्यूजियम्स में, पुराने टेलीफोन और पुराने रेडियो के बराबर में। जीन्स से लेकर हील्स तक, गोल्ड से लेकर आर्ट तक, चीज जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए लोग दुकान में घुसते ही पूछते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो चीज दो जो अभी आई है। कुछ भी हो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जब सिर्फ एक चैनल था ना तब भी मैं नंबर वन थी। एक चैनल में नंबर वन कौन होता है, जब हजारों चैनल्स हो तो कम्पीट करके नंबर वन बनते ना, जो कि मैं बनी हूँ। मैं भी देखती हूँ कितने दिन चलता है तुम्हारा ये नंबर वन शो। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अरे वैसे आमना बीबी कहना नहीं चाहिए, आजकल की लड़कियां ना दिखती कुछ और ही हैं और निकलती कुछ और हैं। देखे ना कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर चीज पे कब्जा शुरू कर दिया मायरा बीबी ने। कैसे कब्जा, माफिया का मेंबर लगती है मुझे? हाय अल्लाह कब्जा माफिया, ये लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं जी। बड़ी चलाकी से गेम खेल रही है ये लड़की। तुम्हें लगता है वही सब कुछ जानबूझ के कर रही है? और नहीं तो क्या, ये सब कुछ इत्तेफाक है? पहले इत्तेफाक से इमरान साहब मिल जाते हैं उनसे और फिर इत्तेफाक से आपका शो मिल जाता है। ठीक कह रही हो, मगर उसे पता नहीं है उसका वास्ता किससे पड़ा है। मॉर्निंग शो के जिस स्कूल में उसने दाखला लिया है ना उसके बड़े बड़े उस्ताद मेरे शागिर्द हैं। बस मेरी जान यही तो बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि वो आपसे जीते ना किसी तौर। फिकर मत करो, मेरे घर में मुझे हराना नामुमकिन। यस जी जी डायरेक्टर साहब, कल का शो हम बकरों पे करेंगे, सवाल मैं सोच लूंगी। आप एक काम करें, बकरे वाले से कहिएगा कि साथ में कुछ बकरे भी ले आए। हाँ हाँ छोटे कुछ बड़े। ठीक है सी यू टुमारो। ओके तुम बकरों पे शो करोगी? हाँ शो शो होता है, चाहे बकरों पे हो चाहे शोहरों पे। ये भी ठीक है भाई। अच्छा सुनो, अगर आंटी तुम्हें फोर्स करें तो क्या तुम मुझे मेरा शो छोड़ने पे मजबूर करोगे? कभी भी नहीं। मेरा वो शो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला। मैं मानता हूं कि मैं मॉम की वजह से थोड़ा सा अपसेट हूं, लेकिन सिर्फ उनको खुश करने के लिए तुमसे शो छुड़वा देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम अपना शो जारी रखो। और आंटी? आंटी की तुम फिक्र मत करो। देखो वक्त के साथ साथ सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन एक चीज, तुम्हारे शो की वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आई
आई होप सो, थैंक यू। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा शो वाकई बहुत अच्छा था। Really? See, I told you. Keep it up. Thank you.